तो हम बात करेंगे आज आपके साथ प्रोटेक्शन की कि कैसे हम अपने एक्सेल में अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको प्रोटेक्ट क्या करना है। तो मुझे अपने सीट की प्रोटेक्शन करनी है और प्रोटेक्शन के कई सारे लेयर होते हैं, सारे लेयर हम आपको समझाएंगे। तो पहला मैं जानना चाह रहा हूं कि जो मेरे सामने डेटा है ना, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी पर्सन इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको अपने सीट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट पे जाना है। हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम फॉर्मेट, अपने होम मेनूबार में हमारे सामने फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के नीचे भी प्रोटेक्ट सीट होता है, यहां से भी आ सकते हो, या फिर रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट सीट होता है, यहां से भी आप आ सकते हैं। और यहां पे आप अपना पासवर्ड डालिए और ओके कीजिएगा, वापस ये पासवर्ड पूछेगा और वापस यहां पे ओके करना। लेकिन ध्यान रखिएगा, पासवर्ड डालने के बाद, यहां पे सेम पासवर्ड डालने के बाद ओके करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट यहां कुछ बता रहा है आपको। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर। ओके, मतलब कि एक्सेल के अंदर में पासवर्ड को रिकवर करने का कोई ऐसा यहां पे चीज नहीं है कि आप पासवर्ड रिकवर कर सके, राइट सर? इसलिए समझ के, सोच के आप इसमें पासवर्ड डालिएगा। तो यहां पे मैं पासवर्ड डाल दिया तो मेरी सीट प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं इस पे किसी भी तरह का कुछ भी नहीं चेंज कर सकता, किसी भी तरह का कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, राइट? हाँ सर, समझिए। तो अब यहां हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसको कॉपी ना कर सके, पर प्रॉब्लम ये है कि कॉपी जो है दिस इज द पार्ट ऑफ विंडोज, ये एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये विंडो का पार्ट है। तो कॉपी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कॉपी करने के लिए जरूरत क्या होती है? सिलेक्शन, बिना एरिया को सिलेक्ट किए हुए कॉपी नहीं कर सकते। अगर मैंने यहां पे रखा और कॉपी कर दिया तो क्या फायदा? तो क्या करना है आपको कि जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड डालते समय नीचे बहुत सारे चेक बॉक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कि आप यूजर को अलाउ करते हैं कि आफ्टर द पासवर्ड ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के ओके कर दिया तो मैं कुछ चेंजिंग तो नहीं कर सकता, कोई टाइप तो नहीं कर सकता, बट इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि तो हमने पासवर्ड डालते समय फॉर्मेट सेल का सिलेक्ट कर रखा था, राइट? उसी तरीके से अगर हम प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं तो यहां पे आपको दिखता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक्ड अनलॉक्ड क्या होता है इस पे हम जिक्र करेंगे, लेकिन मैं यहां पे चाहता हूं कि जो लॉक सेल अनलॉक सेल जो है वो सिलेक्शन है, तो मैं यहां पे सिलेक्शन की जो परमिशन है यहां पे डिनाय कर देता हूं, ऊपर पासवर्ड डालता हूं, पासवर्ड को कंफर्म करता हूं एंड देन ओके। अब क्या हुआ कि अब कहीं पे मैं क्लिक नहीं कर सकता, जस्ट डेटा को देख सकता हूं और बस देख ही सकता हूं, इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने कंट्रोल सी का बटन प्रेस भी कर दिया तो पासवर्ड डालने से पहले जो एरिया सिलेक्टेड था या जिस सेल पे कर्सर था सिर्फ वही सेल पे कॉपी होगा। तो कल्याण जी, अरिवान जी, समझ में आ गया? हम्म।
अब इसी में हम दूसरा एग्जांपल पे आते हैं। हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना। मैं चाहता हूं कि जो एरिया है ये प्रोटेक्शन से बाहर रहे, इस पे हम पासवर्ड अप्लाई ना हो, बाकी जगहों पे अप्लाई हो। मतलब सिंपल से मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां मैं टाइप ना कर सकूं बट यहां टाइप कर सकूं। जब हम पास प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो प्रोटेक्ट शीट में आप यहां देख रहे हैं अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद भी हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें यहां दिया गया है। ठीक तो है। यहां पे आप देख रहे हैं ऊपर में दिया हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल्स। तो ये तो अलाउ यूजर वाली चीज है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि भाई जो जो करेंगे वो यूजर को अलाउ हो जाता है। लेकिन प्रोटेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट ऑफ कंटेंट लॉक्ड सेल। अभी लॉक्ड अनलॉक्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भी लॉक्ड और अनलॉक्ड का जिक्र है। देखिए क्या होता है, हर सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जो फॉर्मेट सेल करने के बाद देख सकते हैं। इसी के प्रोटेक्शन वाले टैब में आप जाएंगे तो यहां देखेंगे लॉक्ड पे क्लिक। तो जिस जिस सेल के लॉक्ड पे क्लिक है, इट मींस उस सेल की प्रॉपर्टी लॉक्ड है। अब उसको लॉक्ड सेल नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉक्ड सेल मतलब कि पास कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। वो प्रोटेक्शन, बस समझिए कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो लॉक्ड होता है। द डिफॉल्ट हर सेल पहले से लॉक्ड ही क्लिक होता है, मतलब कि पासवर्ड के बाद वो अपने आप को लॉक कर लेगा, पासवर्ड डालने के बाद, प्रोटेक्ट शीट करने के बाद। तो हम एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम फॉर्मेट सेल के अंदर लॉक्ड को अनचेक कर देते हैं, देन प्रेस ओके। उसके बाद हम सीट के जो नेम पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहां हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, देन ओके। अब यहां देखिए कि अब मैं यहां कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, लेकिन इस येलो एरिया में जहां पे हमने लॉक हटा दिया था उस पे टाइप कर सकता। उसी तरीके से अगर एक पर्टिकुलर एरिया को मैं यहाँ पे अगेन लॉक अनलॉक करना चाहता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा है। मैं इस बार क्या है कि C4 में हमने एक कलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर किया था, अब मुझे कलर एरिया को ही प्रोटेक्शन के अंदर रखना है। मतलब कि बाकी सारे शीट पे काम हो, बस इस रेड एरिया पे काम ना हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिफॉल्ट हर एक सेल पहले से लॉक पे क्लिक होता है, तो सबसे पहले मुझे पूरी सीट को सिलेक्ट करना होगा, जो कि वन और एक के ऊपर जो ट्रायंगल होता है इस पे क्लिक करने से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरी सीट को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से इसको अनलॉक कर दिया। अभी पासवर्ड डालने के बाद सब जगह टाइप हो सकता है, इंक्लूडिंग दिस कलर एरिया, बट इस कलर एरिया को हमें प्रोटेक्शन से बाहर करना है। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसके लॉक्ड वाले एरिया को क्लिक कर देंगे, एंड ओके। अभी क्या है कि ये जो लॉक्ड एरिया है ये प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट है, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर है। राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल पे जाता हूं और पासवर्ड डालता हूं, पासवर्ड को कंफर्म करता हूं, एंड देन ओके। अब देखिए मैं यहां पे टाइप कर पा रहा हूं बट इस एरिया पे टाइप नहीं कर पा रहा। इसको दो स्टेप में किया ना आपने, एक बार और रिपीट कर दीजिए ये वाला। मैं अभी कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो अनप्रोटेक्ट करता हूं मैं, ताकि मैं इसे चेंज कर सकूं। हमने पूरे सेल को सिलेक्ट किया, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गया और इसको जो लॉक था उसको अनलॉक कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप। हाँ समझ गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में जिस एरिया को प्रोटेक्शन में रखना है उस एरिया को हमने सिलेक्ट किया और
कमेंट सेल में जाए और उसको लॉक्ड लगा दिया। ओके अब मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाके पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन ओके यहां पे टाइप होगा, यहां पे नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका बेसिकली यूज क्या है, तो मैं आपको इसका यूज समझाता हूं। एक लाइव डेटा के जरिए मैं एक डेटा एंट्री करने जा रहा हूं, तो मैंने यहां पे क्वांटिटी लिखा है, यहां पे एमआरपी लिखा है, और यहां पे अमाउंट है, यहां पे कमीशन है, यहां पे जीएसटी है, यहां पे टोटल है, उसके बाद यहां पे डेट है, यहां पे टाइम है, और चीजें भी हो सकती है। तो जो अमाउंट है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, कमीशन जो है इसका 2% है, जीएसटी जो है इसका 18% है, और टोटल इन सबों का सम है, और ये फॉर्मूला कैलकुलेटेड है। मतलब कि अब मैं एंट्री करूंगा तो यहाँ पे नाम डालूंगा, क्वांटिटी 20 डालूंगा, एमआरपी 30 डालूंगा, जैसे टैब पेज करूंगा बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर यहां हम डेट अपना लिखेंगे और टाइम। अब यहीं पे प्रॉब्लम है कि ये जो चीजें है कैलकुलेटेड है और इसी के अंदर में परसेंटेज है। दूसरी चीज, दो चीजें मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला भी कोई ना देख सके और मेरा कर्सर इस पे ना जाए, क्योंकि मुझे हर एंट्री पे 4 सेकेंड वेस्ट करने होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे टैब या एरो की प्रेस करूं, कर्सर सीधे जंप करके यहाँ पे आ जाए। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि मैं जी एफ ई डी पे टाइप ही नहीं करना चाहता, सेलेक्ट ही नहीं करना चाहता हूं। ओके तो सेम मेथड हम ये जो ये है इसी अप्लाएंगे। हम पहले पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको कर देंगे अनलॉक्ड। फिर वापस अपने सीट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको कर देंगे लॉक्ड। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, बट पासवर्ड डालते समय यहां पे एक छोटा सा तिगम करेंगे कि जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल है इसको सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो डी ई एफ जी कॉलन है उस पर कर्सर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने सीधे बोला हुआ है कि भाई सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो अनलॉक सेल कौन है? डी ई एफ जी के अलावा जितने भी सेल है वो अनलॉक्ड है। ओके बनाया सर आपको? हाँ। अब मैं ओके करता हूँ पासवर्ड डाल के। हमें पासवर्ड नहीं डालना, मैं बताया था पासवर्ड भूल जाऊंगा, दिक्कत होगा, बट आप पासवर्ड डाल लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओम, यहाँ पे लिखता हूँ ओम, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला। जैसे टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा। पहुंच गया सर? मतलब कि किसी भी कंडीशन में मैं इस पे कर्सर नहीं रख सकता, ठीक है? मैं क्लिक देखिए क्लिक कर रहा हूं, क्लिक नहीं हो रहा, समझ गया? This is very good. वैसे अब इसी तरह से यहां आप यहां पे प्रोटेक्ट सीट करोगे तो सीट की जो है, जैसे मान लो अभी कोई भी सीट को डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड कर सकते हैं ना, तो सीट का स्ट्रक्चर को लॉक करने के लिए रिव्यू टाइप के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, उससे आप लॉक कर सकते हो। अब देखिए मैं किसी भी सीट के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, बट फाइल अभी भी खुलेगी। आप चाहते हैं फाइल खुल भी नहीं पाए तो आपको, अगर फाइल आपका बिल्कुल नया है, आप अभी जस्ट सेव करने वाले हैं, तो यहीं पे जहां पे नाम वगैरह देते हैं तो यहीं पे टूल्स लिखेगा। अब टूल्स नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। बस आपको टूल्स ढूंढना है सेव एज वाले पॉपअप में, और टूल्स पे जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां जनरल ऑप्शन दिखेगा। इस जनरल ऑप्शन में पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू ओपन, मतलब कि इसमें दो अलग अलग पासवर्ड रख सकते हैं, एक पासवर्ड से ओपन होगा, एक पासवर्ड से मॉडिफाई होगा। अगर उसके पास मॉडिफाई पासवर्ड नहीं है तो वो रीड ओनली में ओपन कर सकता है, बट फाइल के अंदर जो भी चेंज करेगा वो सेव नहीं होगा। लेकिन फाइल आपके लिए बिल्कुल नई है
नई नहीं है, पुरानी फाइल है, सेव एज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि सेव एज करने से बहुत सारे लिंक टूट जाएंगे, तो आप उसको इन्फो के अंदर जाएं और प्रोटेक्ट वर्कबुक वाले सेगमेंट में आपके यहां दिखेगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, क्लिक करें और अपना पासवर्ड डाल दें। ये फाइल की ओपनिंग पासवर्ड विदाउट सेव एज किए हुए लगा दें। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए।